और अब आपको अव्यवस्था और बेचारगी की एक तस्वीर झारखंड की दिखाते हैं। झारखंड के चतरा में एक अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष ने। अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीरें पूरे देश में फैली हैं। क्या आरा, क्या अररिया, क्या औरंगाबाद, क्या चिकमंगलूर और क्या चतरा। झारखंड के चतरा में अस्पताल की चारपाई पर उखड़ती सांसें समेटता एक बुजुर्ग पड़ा है। बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन नाक से सिलेंडर को जोड़ने वाला प्लास्टिक का मास्क नहीं है। अस्पताल के पास गिने गिने मास्क हैं, जो मरीजों को बारी बारी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन तीमारदार कहते हैं कि किसी और का इस्तेमाल किया हुआ मास्क कैसे लगा ले, खतरा है। यहाँ लोग मास्क नहीं देंगे, नया मास्क खरीद के लाने गए। तब तक तो जान बच जाएगी, जो उनके पास नया लगा लीजिए। वो कह रहे नया नहीं है, कह रहे नया नहीं है अस्पताल में। अब सबके नया कहाँ से देंगे, आप ही बोलिए। जिस जनरल वार्ड में मरीजों को रखा गया है, वहाँ मरीजों को ऑक्सीजन एक ड्राइवर लगा रहा है। मेडिकल स्टाफ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ड्राइवर ही लोगों को सिलेंडर लगा रहा है। आज से नहीं, कहता है 13 साल से। अपना भाई, अगर हम, ये हमारा भाई है, ये मेरे बड़े भाई है। आप क्या करते हो? हम यहाँ ड्राइवर है। आप ऑक्सीजन लगा रहे हो सबको, क्या फर्क पड़ता है? हम अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने फैमिली को लगा रहे हैं। आपको आता है लगाने? हाँ, क्यों नहीं। 13 साल से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर, नर्स वो सब नहीं करते? करते हैं, सब लोग करते हैं। आप भी कर देते हो? हाँ, एकदम 110% भैया। हमने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और हेल्थ मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद ही नहीं थे। अस्पताल की क्लर्क तो थी, लेकिन उन्हें ना तो अस्पताल के बारे में कुछ पता था, ना बेड के बारे में, ना मरीजों के बारे में। मैनेजर ड्यूटी पे नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है, कहाँ है? अच्छा, ये इस टाइम नाश्ता करने गए, घड़ी में 1 बज रहा है। खैर, इतना तो जानकारी होगी, बेड कितने हैं टोटल पूरे अस्पताल में, ये तो आपको पता होगा, क्लर्क हैं आप। ये तो अस्पताल की लिस्ट में होगी ना, बेड कितने हैं, हमको गिनने को थोड़ी ना बोल रहे हैं। अस्पताल के बारे में कुछ तो जानकारी हो। अच्छा, ऑक्सीजन बेड कितने हैं आपके पास? अव्यवस्था का आलम यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। ये है बिना COVID-19 वाला रूम, ठीक है, अब बिना जांच का COVID-19 वाला भी मरीज को घुसा दिया जा रहा है। इसमें सबको एक ही में डाल? जी, एक ही में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं होना चाहिए रूम में, ठीक है, ये चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। COVID-19 वाला पॉजिटिव वाला इसमें डाल दिया जा रहा है रूम में। एक ही वार्ड में सबको डाल देते हैं बिना चेक किए, चाहे कोविड है चाहे नहीं है। और तो और, अस्पताल के ICU में भी लोगों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी लापरवाहियां छोटे शहरों में दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद संक्रमण के खतरे को बढ़ा दे। मसलन ये एक वार्ड है, यहाँ लिखा अनावश्यक प्रवेश निषेध, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वार्ड के भीतर अगर आप देखेंगे तो जितने मरीज हैं, हर मरीज के दो दो तीन तीन तीमारदार परिवार, हर किसी को फ्री एक्सेस मिला हुआ पूरे कोविड वार्ड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम है, जरूरत के लिए दवाइयां मंगानी हो, पर्चे लिखने हो, हर किसी के लिए तीमारदारों को ही जाना पड़ रहा है। ऐसे न जाने कितने तीमारदार हमें यहाँ मिले, जो बेरोक टोक COVID-19 वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि वो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ये पता है, ये वार्ड सिर्फ कोरोना मरीजों का, तो आप क्यों जाते है ना? सिर्फ गए थे वो सामान पहुंचाना, इमरजेंसी था मेरा मरीज को, इसीलिए। कितनी बार आप अंदर जाते हैं? कोई खास नहीं, दो से एक दो टाइम हो जाता है, जाते हैं अंदर। हाँ, यहाँ किसी को बुला के क्यों नहीं देते डॉक्टर? इन सबको रोकते नहीं है लोग अंदर जाने से? नहीं तो कोई यहाँ गेट पे रहे नहीं करता, कोई नहीं रहता है गेट पे, तो हमको मजबूरन जाना पड़ता। मास्क जो ये मंगवाए थे, तो मास्क लेके आए थे, तो आप यहाँ बुला के डॉक्टर नर्स को दे सकते ना? आपको पता है ना अंदर जाके आपको भी खतरा है? हाँ पता तो है। ये जाने देते हैं आपको? अभी काम था इसलिए गए थे। अस्पताल के कोविड वार्ड की नर्स देवंती से हमने पूछा, और उन्होंने भी कहा कि कभी कभी काम पड़ता है, इसलिए मरीजों के तीमारदारों को वार्ड में जाना पड़ता है। कोविड वार्ड है, क्या हर किसी को अनुमति होती है अंदर जाने की? नहीं। परिवार तीमारदार क्यों जा रहे हैं अंदर? कभी 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 आ जाते हैं, हम दवा लिख के देते हैं, तो इतनी देर में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते? बाहर से यहाँ देते हैं सारे के सारे। देखिए, अंदर से आ रहे हैं रिश्तेदार। यहाँ आपने लिख रखा है कोविड मरीजों के लिए और अनावश्यक प्रवेश निषेध,
नहीं पेशेंट ज्यादा जाते नहीं है, पर कभी कभी तो जाना ही पड़ता है ना, कुछ काम पड़ जाता है, वैसे नहीं जाता है। चतरा के सबसे बड़े अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन तक की किल्लत है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जो दवाइयां यहां नहीं मिल पाती हैं, उन्हें बाहर से लेने भेजना पड़ता है। हम मरीज के साथ में थे, अच्छा। 5 बजे से दवा लावाल 5 बजे रात में चला है, 5 बजे दवा बाहर से लाए, दवा कुछ बाहर से मंगाते हैं, क्यों बोलते हैं यहां जो नहीं है सो बाहर से लाते हैं, अच्छा। तो वो जो है से दवा को देने के लिए जब 20 बार जाएंगे तो नर्स लोग जाएगा तो देगा और डॉक्टर साहब जल्दी सुनवाई नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड के इलाकों में अस्पताल ही इतने बदहाल हैं कि मरीजों का इलाज हो तो कैसे हो। मरीजों की संख्या ज्यादा है, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बेहद कम, ऊपर से दवाइयों की किल्लत और टूटते हुए नियम कहीं त्रासदी को और बड़ी न कर दें। ग्रामीण इलाकों में महामारी फैल रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अव्यवस्था दरअसल सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर ड्राइवर जो है ऑक्सीजन लगाएगा, मरीज के तीमारदारों को, बच्चों को कोविड वार्ड में ऐसे ही घूमने जाने दिया जाएगा, ज़रूरत की दवाइयां अस्पताल में अगर मुहैया नहीं हैं, तो आखिर जब परिस्थिति और ख़राब हो रही है तो इससे निपटा कैसे जाएगा। ऐसा ना हो कि जब तक हालत बेहतर हो तब तक बेहाली बढ़ जाए। झारखंड के चतरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज हम दिल्ली और नोएडा में जिंदगी की सौदेबाजी करने वाले बेशर्म चेहरों को बेनकाब करेंगे। ऐसे चेहरे जिनके पास लाइसेंस मरीजों की मदद करने का है, लेकिन वही चेहरे मरीजों को लूट रहे हैं। आज तक की एसआईटी ने बड़ी पड़ताल की है, खुफिया कैमरे में कैद हकीकत चौंकाने वाली है। यकीन मानिए, कोरोना के मरीजों से हो रही सबसे शर्मनाक सौदेबाजी का एक एक सच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर ये चेहरे बेनकाब नहीं होते तो दिल्ली से लेकर नोएडा तक कोविड मरीजों के साथ महालूट का घिनौना खेल यूं ही चलता रहता। 50,000 रुपए लगेंगे इसके। अगर इनकी करतूत आज खुफिया कैमरे में कैद नहीं हुई होती तो इंसान के भेष में छिपे शैतानों का सच दुनिया के सामने नहीं आता। भाई 25 लगी है। आज हम उस सौदेबाजी का सच दिखाएंगे जो महामारी में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं। कोरोना के शिकार मरीज तड़प रहे हैं और ये दुनिया का सबसे घिनौना सौदा कर रहे हैं। ऐसा सौदा जिसकी ना तो बिल मिलती है और न ही कागजों पर कुछ होता है, यानी सब कुछ नंबर 2। बिल आपको मिलेगा नहीं। खुफिया कैमरे पर फंस गए बड़े सौदागर। दिल्ली के विनोद की हकीकत सुनिए। नोएडा का मलिक करता है बेशर्म डी। मरीज तड़प रहे हैं, ये नोट कमा रहे हैं, मरीजों से महालू। कुछ तो करो सरकार। आज तक का खुलासा, ऑपरेशन एम्बुलेंस। देश में अगर रोज हजारों लोगों को कोरोना मार रहा है तो हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो इंसान मार रहे हैं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लोगों को तो इंसान कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये समाज के दुश्मन हैं जो महासंकट में भी लूट मचा रहे हैं, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो हर चीज में लूट मचा रहे हैं, कई कई गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। आज हमने ऐसे ही कुछ लोगों को बेनकाब किया है जो कि दिल्ली एनसीआर की एम्बुलेंस सर्विस में लूट मचा रहे हैं। आज तक की एसआईटी खुफिया कैमरे पर उन चेहरों को कैद करने निकली जो एम्बुलेंस सर्विस की आड़ में कोविड मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मरीजों को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इन्हें न कानून का डर है और न ही इनके अंदर इंसानियत जिंदा है।
दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस के बदले मरीजों को खुलेआम लूटा जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, आज एक एक सच खुफिया कैमरे में कैद है। सबूतों के साथ देखिए इन चेहरों के गुनाह की गवाही के साथ। पड़ताल के लिए हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज के बाहर पहुंची। खुफिया कैमरा ऑन था और कैमरे में जो कैद हुआ वो होश उड़ाने वाला है। हमें आईसीयू वेंटिलेटर एम्बुलेंस मिली जिसका नंबर है UP23T3251। इस एम्बुलेंस को बुक करने का जिम्मा विनोद संभालता है। हमारी टीम ने विनोद से एम्बुलेंस का किराया समझने के लिए बातचीत शुरू की। बहुत गौर से एक एक शब्द को सुनिए। विनोद ने पहले मरीज की डिटेल पूछी, यानी मरीज को कहां से कहां तक ले जाना है। इसके बाद शर्मनाक शर्त के साथ बेशर्मी से कोरोना मरीज को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के बदले मोटी रकम बता दी। विनोद की सौदेबाजी का अंदाज आज आपको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस के बदले खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए। गाड़ी का कुछ किराया ये तो फुल्ली इक्विपमेंट है, 50,000 रुपये लगेंगे इसके। बिल आपको मिलेगा, पैसे हम एडवांस में लेंगे, जमा करा करके जब चलेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बेड तो पक्का आपका बुक है ना। हाँ यार, तभी तो आएंगे हम, जब लेके थोड़ी हमारे पास में इतनी ऑक्सीजन है कि वहाँ तक तो पहुँचा दूंगा मैं। वापसी जो नहीं है। 50,000 किराए की डिमांड विनोद ने हमारे सामने रखी और ये भी साफ कर दिया कि कोई बिल या रसीद नहीं। आपको बता दें कि मेदांता सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 39 में है और पटपड़गंज से महज 44 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की कीमत 1,000 रुपए से भी ज्यादा। कैमरे में कैद बातचीत ने विनोद को बेनकाब कर दिया। दिल्ली में सिर्फ एक हॉस्पिटल के बाहर ऐसा नहीं हो रहा। आप इस चेहरे को देखिए, नाम है गौरव। मरीजों को ले जाने के लिए कालाबाजारी कर रहे गौरव से हमारी मुलाकात गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास हुई। गौरव यूं तो दिल्ली सरकार के साथ अनुबंधित एम्बुलेंस नंबर UP77AN2645 चलाता है, लेकिन इसी की आड़ में वो मरीजों को अपने भाई की प्राइवेट एम्बुलेंस दिलाने का भी काम करता है। बेड वहाँ रेडी है, सारी चीज ओके। मेदांता ये गुड़गांव वाला। किसी भी पेशेंट को ले जाने की पहली शर्त होती है कि मरीज का बेड ले जाने वाले अस्पताल में पक्का है ना। अगर हाँ तभी आपको एम्बुलेंस मिलेगी, वरना मरीज को कोई एम्बुलेंस नहीं है। कितने लीटर पे चल रहा है ये? फ्री वाली है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे 5 लीटर पे 5 रुपए चल रहा है भाई। 25 लगी है, 25,000। मरीज का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होना चाहिए, तभी 25,000 में छोटी इको एम्बुलेंस मिलेगी। इको चल जाएगी, बड़ी वाली चाहिए। और अगर आईसीयू वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए तो आपको 40,000 रुपए दिल्ली के दिलशाद गार्डन से गुड़गांव के देने होंगे। इको चली जाएगी आपको, इको का लग जाएगा आपको 20,000 ऑक्सीजन वाली। बड़ी वाली भी मिल सकती है, बड़ी वाली भी मिल जाएगी, बड़ी का रेट ज्यादा जाएगा। आईसीयू वाला जो होता है वेंटिलेटर मिल जाएगी, कितना है उसका? उसका 40। गौरव ने भी अपना मुंह खोल दिया, यानी महामारी में मरीज को लूटने का पूरा हिसाब समझा दिया। सोचिए, घर में बीमार पड़ा मरीज हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस के सहारे है और इसी का फायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस सर्विसेज से जुड़े लोग।
दिल्ली में आपको घिनौनी सौदेबाजी दिखी, अब आपको नोएडा में ऑपरेशन एम्बुलेंस में फंसे इस चेहरे का सच दिखाते हैं। तो डॉक्टर के साथ भिजवाऊँ या नर्सिंग स्टाफ के साथ? आप दोनों के पैसे बता दो, अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे तो ऐसे भेज लेंगे, या फिर डॉक्टर के साथ जाएगी तो 30,000 बोलेंगे। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ के साथ जाएगी तो 22,000 बोलेंगे, डॉक्टर के साथ जाएगी तो 9,000 का, इससे ज़्यादा नहीं। एम्बुलेंस नहीं है ढूंढने से भी। दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस सर्विस वाले अपनी मर्जी का किराया वसूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुश्किल की घड़ी में मरीज के घर वाले पैसा देने के लिए मजबूर हैं। आज ऐसे चेहरों को हमने बेनकाब किया है ताकि इनके खिलाफ सरकार बड़ा और कड़ा एक्शन ले। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। आपने एम्बुलेंस सर्विस चलाने वालों का काला चिट्ठा देखा। आपको एक बार फिर हम सुनवाते हैं हमारे सिस्टम में बेनकाब हुए विनोद की सौदेबाजी का पूरा सच। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए, इस गाड़ी का कुछ किराया ये तो पुलिस के पास है, 50,000 रुपये लगेंगे इसमें, बिल आपको मिलेगा। कोरोना काल में मरीजों को जितनी जरूरत दवाओं की होती है, इमरजेंसी के दौरान उतनी ही जरूरत एम्बुलेंस की भी होती है। एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों को उचित कीमत में उपलब्ध हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा आदेश भी जारी किया था। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से यह खुलासा हो रहा है कि एम्बुलेंस सेवा देने के नाम पर अंधेर गर्दी करने वालों का इससे कोई खौफ नहीं है। एक तरफ कोरोना का प्रचंड प्रहार है तो दूसरी तरफ सिस्टम के आगे मरीज बेबस हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा एम्बुलेंस सेवा के बदले खुलेआम लूट हो रही है। 50,000 रुपए तक मरीजों से मांगे जा रहे हैं। ये तब है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऑर्डर दे चुकी है कि एम्बुलेंस सेवा के बदले किराया फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पांच बड़ी बातें आपको बताते हैं। बड़ी बात नंबर एक, राज्य सरकारें एम्बुलेंस का किराया फिक्स करें। बड़ी बात नंबर दो, एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट को मॉनिटर करें राज्य। बड़ी बात नंबर तीन, राज्य देखें मरीजों से ज्यादा रकम न वसूली जाए। बड़ी बात नंबर चार, तय रेट पर ही मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मिले। बड़ी बात नंबर पांच, ज्यादा किराया वसूलने वालों पर एक्शन। महामारी के संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश राज्य सरकारों को दिया है कि किसी भी सूरत में मरीजों से ज्यादा किराया न वसूला जा सके। लेकिन दिल्ली से लेकर नोएडा तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस सेवा देने वाली एजेंसियों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने में पूरी तरह नाकाम है। यहां आपको ये समझना है कि दिल्ली में एम्बुलेंस की रेट लिस्ट है। अमूमन नॉन कोविड पेशेंट के लिए दिल्ली के किसी भी इलाके से गुड़गांव की बड़ी वेंटिलेटर आईसीयू प्राइम एम्बुलेंस के 8,500 रुपए लगते हैं, वहीं कोविड पेशेंट के 12,000 रुपए, जिसमें ड्राइवर हेल्पर की पीपी किट सैनिटाइजेशन का खर्चा जुड़ जाता है और इसका बिल भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर मरीजों से 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। दिल्ली से गुड़गांव तक एम्बुलेंस का किराया लगभग 7,000 से 8,000 रुपए लगता है, लेकिन आज की डेट में कोविड के कारण हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, तो ड्राइवर को, टेक्नीशियन को, डॉक्टर को पीपीई किट बनानी पड़ती है और ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा लगती है इसमें पेशेंट के साथ में, तो ये सब चार्जेस इंक्लूड करने के बाद में लगभग आज हम दिल्ली से गुड़गांव का 11,000 से 12,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जिसका कि हम पेशेंट को बिल भी देते हैं।
राज्य सरकार एम्बुलेंस की रेट तय करती है, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति जैसा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस सेवा देने वालों की मनमानी चल रही है। मरीज लुट रहा है और सरकारें आंख कान बंद करके बैठी हैं। सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकारें क्यों नहीं जाग रही हैं? आखिर कब तक सरकार के लापरवाह सिस्टम की मार से मरीज कराहते रहेंगे? यानी एम्बुलेंस वाले मस्त हैं और मरीज पूरी तरह पस्त। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।